बेटा? अनम्या शुक्ला। अच्छा, कल छुट्टी थी? 12 अफ़ाद को छुट्टी थी? आज? आज नहीं। आज कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी सब जगह पर है। जी सर। यहाँ की क्या व्यवस्था है? यहाँ भी व्यवस्था है सर कि यहाँ छुट्टी नहीं है, और मतलब हर जगह सिस्टम होता है छुट्टी का, लेकिन यहाँ भी नहीं है। तो कल हमेशा रहती थी छुट्टी, इस बार 12 अफ़ाद की छुट्टी थी लेकिन कभी नहीं रहती थी। सर क्या मैनेजमेंट है और क्या होता है? 12 अफ़ाद की पहले छुट्टी होती थी? हाँ, नहीं होती थी पहले, और अब की इस बार हुई है। आज कार्तिक पूर्णिमा पर छुट्टी नहीं है। गुरु नानक जयंती पर नहीं है। बाकी सर सारे स्कूल बंद है, बस यही खुला है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, और आज गुरु पूर्णिमा है तो सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि बच्चों का आरोप जो है, मैं उससे कहीं भी सहमत नहीं हूँ। और इस स्कूल जो खोला गया वो इसलिए खोला गया ताकि, क्योंकि योगी सरकार ने जब आई थी तो ये बोला था कि जितनी भी जयंती होंगी, जैसे आज ही गुरु नानक जयंती और आज ही कार्तिक पूर्णिमा है, तो ये बोला गया था कि जब भी कोई जयंती होगी तो स्कूल में बच्चों को बुला के उस उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम रखा जाएगा। तो हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी उपलक्ष्य में बच्चों को बुलाया। तो इसमें छुट्टी ना करने का कोई अगेंस्ट जाने का कोई रीज़न नहीं था। और इस बात को सांप्रदायिकता से जोड़ करके जो लोग दिखा रहे हैं वो स्कूल के लिए एक अगेंस्ट, स्कूल के अगेंस्ट कुछ एक कॉन्स्पिरेसी है कि कुछ बच्चे सस्पेंड किए गए थे, उन बच्चों ने ये जानबूझ करके किया है ताकि स्कूल का नाम खराब हो। और प्रिंसिपल और मैनेजमेंट, जो कि उन्होंने बच्चे सस्पेंड किए गए, तो उन्होंने अपना बदला इस तरह से स्कूल को नाम खराब करके लिया है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद।